सो ये हो रहा, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ जीरो के बारे में, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में और रेस थ्री के बारे में। तीनों फिल्म से एक चीज जुड़ी है, वो है हेटर्स या फिर ट्रोलर्स जिसे कहते हैं। ट्रोलर्स वो होते हैं जो किसी भी ट्वीट को, किसी भी फैन को, किसी भी एक्टर को ट्रोल करते हैं, गंदी इमेजेस बना के, फेक पिक्स बना के, फेक रिकॉर्ड्स बना के, बहुत सारी चीजों को लेकर, चाहे वो रिकॉर्ड सच भी हो, कुछ भी, किसी भी तरह से ट्रोल करते हैं। यानी कि जैसे अगर शाहरुख का फैन है तो सलमान खान के फैन को ट्रोल करेगा किसी भी हद तक जाके, सलमान का फैन है तो आमिर के फैन को ट्रोल करेगा किसी भी हद तक जाके, और आमिर खान के फैन वाइस वर्सा, वो भी वही करेंगे दोनों फैंस के साथ। तो ये जो ट्रोलिंग है, इसमें कहीं ना कहीं फैन वॉर्स तो जुड़े रहते ही, लेकिन हाँ, आजकल ये ट्रोलिंग हद से ज्यादा बाहर होती जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है ट्रोलिंग की जो एक आदत है वो बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ रही है। और यहाँ पे इसके अलावा भी कई सारे कुछ और लोग होते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जो बहुत ही बड़े लेवल पे होते हैं जो ये ट्रोलिंग करवाते हैं। लेट मी टेल यू फ्रैंक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि शाहरुख खान के फैंस असल में शाहरुख खान के फैंस ही होते होंगे, या सलमान खान के फैंस असल में सलमान खान के फैंस होते होंगे, या आमिर खान के फैंस असल में आमिर खान के फैंस होते होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि फैंस ऑफकोर्स कुछ कुछ होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जानबूझकर फैंस बनते होंगे और जानबूझकर किसी और स्टार को ट्रोलिंग करते होंगे ताकि वो स्टार इस स्टार की बुराई करे, इस तरह, समझ रहे हो? मतलब सपोज आमिर और शाहरुख के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है, और सलमान खान का फैन नहीं, लेकिन सलमान खान का फैन कोई जानबूझकर बनकर आएगा, चाहे वो आमिर खान का किसी का भी फैन, वो सलमान खान का फैन बनकर आएगा और बताएगा कि यार आमिर खान और शाहरुख खान के बीच में प्रॉब्लम है, या आमिर खान शाहरुख खान अच्छे नहीं है, समझे, झगड़ा लड़ाएगा, समझे। कहने का मतलब क्या है कि फैन वॉर में कोई चौथा बंदा ही आके फायदा उठा रहा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये बहुत सीरियस बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि मेरा तेरा मेरा झगड़ा है, फायदा कोई और उठा रहा है, समझ रहा है, समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद बॉलीवुड राइट नाउ। चाहे आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान किसी के भी फैन वॉर्स हो, लेकिन जो चौथा बंदा है वो आ रहा है अब हर किसी फैंस में फैंस वॉर कर रहा है, क्योंकि सभी उसको भी पता है ये तीनों फैन वॉर्स में तो है ही है, शाहरुख है, सलमान, आमिर, ये तीनों को भाई कुछ भी बोल दो, टिंगू बोल दो, कोई को रिक्शा वाला बोल दो, एक को कुछ भी बोल दो, किसी को भी, लोगों को बुरा लगेगा और लोग फिर ट्रोलिंग करना चालू करेंगे। शाहरुख खान ऐसा लड़के का कुत्ता है, ये ट्रोल हो रहा था कुछ दिन पहले, शाहरुख खान ऐसा लड़के का कुत्ता, दिस वॉज ट्रोलिंग। Anything can be trolled on social media and this is certainly not a good sign for any of the movies. रेस सी को लेकर कितनी ट्रोलिंग हुई, ये आपसे ज्यादा बेहतर और मुझसे ज्यादा बेहतर शायद ही कोई जानता हो। फिल्म के फर्स्ट लुक से लेकर पोस्टर्स आने तक, ट्रेलर आने तक, फिल्म रिलीज होने तक, फिल्म रिलीज के पहले आपको याद होगा कुछ सीन्स के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे थे कि ये लॉजिकल है, ऐसा है, वैसा है, भाईजान कुछ भी कर रहे, सिर्फ है ना एक गवर्नमेंट जॉब खोल के रखा भाईजान, जिसको जिसको शूटिंग आई मीन किसी को रोल नहीं मिलता, कुछ फिल्म नहीं मिलता, भाईजान बोलता आ जा भाई मैं लेता हूँ, तो बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ था। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ और फिल्म को 5 दिन में ही कुछ क्रिटिक्स से मिलकर, या फिर कहा जाए कुछ ट्रोलर से मिलकर फैन वॉर्स क्रिएट किया और इस फिल्म को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया सिनेमा थिएटर से लगभग। अब जो टारगेट है हेटर्स का या फिर ट्रोलर्स का, इसको तो बर्बाद कर दिया कहीं ना कहीं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को, रेस थी को बर्बाद कोशिश जरूर की थी, लेकिन सलमान खान के जो रियल फैंस वो बहुत ज्यादा है और जो असल जो उनके ऑडियंस में जो उनकी जो भी है क्या बोलते उसे पॉपुलरिटी वो बहुत ज्यादा, उसी वजह से कहीं ना कहीं सेमी हिट रह गई थी, 173 करोड़ के ऊपर कमाई की थी और वो फ्लॉप नहीं हो पाई थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर अब बड़ा टारगेट है आफ्टर रेस थी एंड ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जीरो, अब जीरो के ऊपर पूरा हाथ धोकर ट्रोलर्स पड़ने वाले है, ये आप मान के चलिए, ट्रोलर्स हेटर्स इसमें कोई दो राय नहीं है। भैया आपको पता ही है जीरो के ट्रेलर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। कुछ दिन पहले किसी ने शादी भी कहा था कि जीरो की कहानी लीक हो चुकी है, जीरो में एंडिंग में ये होने वाला है, वो होने वाला, तो ये क्या है, दीज आर हेटर्स। ये ना तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ दीज आर नॉट सलमान खान फैंस, नॉट आमिर खान फैंस, बट दे आर समवन हु इज प्रिटेंडिंग टू बी ए सलमान और आमिर खान फैंस। ये ऐसे लोग हैं जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये सलमान खान के फैन है, आमिर खान के फैन है और ये शाहरुख खान के फैन से झगड़ा लड़ाएंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूँ जीरो को भी बहुत
ट्रोलिंग छेलने को मिलने वाली है। और यहाँ पे एक बड़ी चीज बताता हूँ, अगर जीरो में थोड़ी बहुत खामियां होती है तो ट्रोलर्स किसी भी हद तक जाएंगे, उस खामियों को इतना बड़ा बना देंगे कि ये फिल्म लोग ज्यादा से ज्यादा देखने ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अब सोशल मीडिया की ट्रोलिंग पर बहुत विश्वास रखते हैं, क्रिटिक्स के कमेंट्स पर बहुत विश्वास रखते हैं, उनके ट्वीट पर विश्वास रखते हैं, ये नहीं कि वो खुद जाके देखे। समझ रहे हो मैं कहना क्या कह रहा हूं? फिल्म देखने से पहले ही लोगों के मन में एक ओपिनियन भर देना कि ये फिल्म वाहियात है, बकवास है, तो लोग कैसे जाएंगे देखने, है ना? तो ये एक्चुअली हो रहा है, और ये कुछ ट्रोलर्स या हेटर्स जो बहुत बड़े लोग हैं वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली करवा रहे, क्योंकि भैया फैन वॉर्स तो पता ही होते हैं। तो दिस इज माई जेन्यून वार्निंग और जेन्यून अर्ज टू ऑल द फैंस, किसी के भी आप फैंस हो, किसी की बातों पर मत जाइए जब तक आपको पूरा यकीन ना हो, और फिल्म को थिएटर में जाकर ही देखिए, या फिल्म जब तक आप ना देखिए उस पर अपनी राय मत बनाइए। दिस इज माई पर्सनल पर्सनल थिंग टू वॉन्ट टू टेल यू, अदरवाइज ये भी फिल्म जीरो का भी बुरा हाल हो सकता है। दिस इज सीरियसली मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज मैंने नोटिस की है 6-7 महीने से, ट्रोलिंग जिस हद तक जा रही है, दिस इज टोटली रॉन्ग। आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और किसी ने मुझे कहा कि यार तू SRK का एंटी SRK, यानी कि तू SRK का फैन नहीं है, SRK का दुश्मन है, तभी शायद बाकी फिल्मों को सपोर्ट कर, SRK की फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। एंड दिस वीडियो वॉज जेन्युइनली टू टेल यू कि ऐसा कुछ नहीं है, और आए दिन मैं हमेशा वीडियोस बनाता रहता हूँ जिसपे मुझे लगता है बनाना चाहिए, जिसको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मैं ब्लाइंडली सपोर्ट करता हूँ। तो डोंट टेल मी कि मैं इसका हेटर हूँ, उसका होटर, आई नेवर ट्राई टू हेट और क्रिएट डिफरेंस बिटवीन स्टार्स। मैं फिल्मों को सपोर्ट करता हूँ, फिल्मों को कंपेरिजन करता हूँ, एक्टर्स के बीच में बहुत ज्यादा मैं कभी ये नहीं किया हूँ कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये लंबा है, नाटक कभी नहीं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए फिलहाल इतना ही।